हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं सी के पी स्टडी में आप सभी का स्वागत करता हूं। और मैं छोटू कुमार, जो कि आज का मॉडल पेपर होगा साइंस का, क्लास टेंथ का मॉडल पेपर होगा इस वीडियो में। तो 24 क्वेश्चन इसमें देखेंगे। तो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर ऑल पे क्लिक कर लें, ताकि स्टडी से रिलेटेड मेरा कोई भी वीडियो होगा तो आपको मिलता रहेगा। ओके, तो जो कि समय को ना वेस्ट करते हुए मैं सीधा क्वेश्चन पे ले चलता हूं आपको। क्वेश्चन मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है, करा सूर्य तथा अन्य तारों की विशाल ऊर्जा के स्रोत क्या ऊर्जा के स्रोत हैं? तो आखिर सूर्य तथा अन्य तारों की विशाल का ऊर्जा का स्रोत क्या होते हैं? तो ऑप्शन दिया गया है, ए में नाभिकीय संलयन, बी में जो कि नाभिकीय विखंडन, सी में दोनों, डी में करा, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो मेरा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, जो कि ऑप्शन ए, नाभिकीय संलयन जो है सूर्य तथा अन्य तारों की विशाल का ऊर्जा के स्रोत क्या होते हैं? नाभिकीय संलयन होते हैं, ऑप्शन ए यहाँ पर मेरा बिल्कुल राइट आंसर है, आप इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर टू, करा इनमें से कौन दो की दर्पण का सूत्र है? दर्पण का कौन सूत्र है? तो ए में, ए ऑप्शन ए में देख लेते हैं, ए बाई वी, वन बाई वी प्लस वन बाई यू बराबर होता है वन बाई एफ। तो यहाँ पर जो मेरा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, जो कि ऑप्शन ए होगा, वन बाई वी प्लस वन बाई यू बराबर होता है, ये दर्पण का जो सूत्र होता है वन बाई एफ होता है। ओके, आप इसे याद रख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ले चलते हैं, क्वेश्चन नंबर जो कि थ्री, क्वेश्चन नंबर थ्री है करा कि टिंडल का प्रभाव देखा जा सकता है। तो टिंडल का प्रभाव किससे देखा जा सकता है? तो ऑप्शन ए में जंगल में देखा जाएगा, या बाजार में, या खेतों में, या इनमें से सभी। तो यहाँ पर जो मेरा राइट आंसर हो जाएगा थ्री का, जो कि ऑप्शन ए, टिंडल का प्रभाव देखा जा सकता है जंगल में, जो कि टिंडल का प्रभाव देखा जा सकता है, आप इसे याद रखेंगे। ओके, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे ले चलता हूँ, क्वेश्चन नंबर फोर, करा तारों की टिमटिमाने की व्याख्या किस सिद्धांत पर आधारित है? तारों की टिमटिमाने की व्याख्या किस सिद्धांत पर आधारित है? तो ऑप्शन ए में है, जो कि अपवर्तन का सिद्धांत, बी में है, जो कि प्रकीर्णन का सिद्धांत, सी में जो कि वर्ण विक्षेपण का सिद्धांत, डी में है, जो कि इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो मेरा राइट आंसर हो जाएगा चार का दोस्तों, जो चार का मेरा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा, जो कि परिवर्तन का सिद्धांत पर तारों को टिमटिमाने की व्याख्या का सिद्धांत पर आधारित है, अपवर्तन के सिद्धांत पर जो कि है उसे देखा जा सकता है, आप इसे याद रखेंगे, ऑप्शन ए। ओके, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे ले चलता हूँ, क्वेश्चन नंबर फाइव है, कह रहा है कि सामान्य नेत्र के रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है, क्या होता है? ऑप्शन दिया गया, ए में आभासी और सीधा होगा, ये बी में, ऑप्शन बी में है वास्तविक और सीधा, सी में है वास्तविक और उल्टा, डी में आभासी और उल्टा। तो यहाँ पर जो मेरा राइट आंसर हो जाएगा पाँच का जो मेरा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, सामान्य नेत्र के रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब कैसे, किस प्रकार देखा जाएगा? तो वास्तविक और उल्टा उसे जो किया देखा जाएगा, ऑप्शन सी यहाँ पर मेरा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सिक्स, कह रहा है किसी बल्ब से एक मिनट में 120 कूलम आवेश प्रवाहित हो रहा है तो विद्युत धारा का मान है? तो ऑप्शन ए में है 1 एम्पियर, बी में 2 एम्पियर, सी में 3 एम्पियर और डी में 4 एम्पियर। तो यहाँ पर जो मेरा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सिक्स का जो मेरा करेक्ट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन बी, 2 एम्पियर किसी बल्ब में एक मिनट में 120 कूलम आवेश प्रवाहित अगर हो रहा है किसी बल्ब में, विद्युत धारा का मान क्या होगा? 2 एम्पियर होगा, आप इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेवन, करा किस उपकरण में धन प्लस और ऋण माइनस का चिन्ह नहीं होता है? तो ऑप्शन ए में, जो कि ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पर, ऑप्शन ए में अमीटर में, बी में वोल्ट मीटर में, सी में कुंडली में, डी में करा विद्युत सेल में। तो यहाँ पर जो मेरा राइट आंसर हो जाएगा सेवन का दोस्तों, सेवन का जो मेरा बिल्कुल करेक्ट आंसर है, जो कि कुंडली में, किस उपकरण में धन प्लस और ऋण माइनस का चिन्ह नहीं होता है? तो कुंडली में जो कि धन प्लस और ऋण माइनस का चिन्ह नहीं होता है, आप इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर एट है, कह रहा है लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान होगा, क्या होगा? ऑप्शन ए में बहुत अधिक हो जाएगा, या बी में कह रहा बहुत कम, सी में कह रहा 3 एम्पियर और 4 में कह रहा 4 एम्पियर। तो यहाँ पर जो मेरा राइट आंसर हो जाएगा आठ का जो मेरा बिल्कुल करेक्ट आंसर है, जो कि ऑप्शन ए, जो कि यह बहुत अधिक हो जाएगा, लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान जो कि बहुत अधिक हो जाएगा, ऑप्शन ए यहाँ पर मेरा बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है, आप इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नाइन का, विद्युत चुंबकीय प्रेरक की खोज किसने की थी? तो ऑप्शन ए में है, जो कि फैराडे ने, बी में मैक्सवेल ने, सी में जो कि एम्पियर ने, डी में है फ्लेमिंग ने। तो यहाँ पर जो मेरा राइट आंसर हो जाएगा नाइन का दोस्तों, जो कि ऑप्शन ए होगा बिल्कुल राइट आंसर, फैराडे ने, जो कि विद्युत चुंबकीय की, जो कि प्रेरक की खोज किसने किया था? तो फैराडे ने किया था, विद्युत चुंबकीय का खोज किसने किया? फैराडे, आप इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर टेन, करा एक उत्तल लेंस होता है, क्या होता है? ऑप्शन ए में दिया गया सभी जगह समान मोटाई का, बी में करा बीच की अपेक्षा किनारों पर मोटा, सी में करा किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा, डी में करा इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो मेरा राइट आंसर हो जाएगा 10 का, जो कि ऑप्शन सी होगा,
ऑप्शन किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा एक उत्तल लेंस होता है। ठीक है, आप इसे याद रखेंगे, ऑप्शन सी यहाँ पर मेरा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर ग्यारह है, करा अवतल लेंस का आवर्धन m बराबर होता है। तो आवर्धन m बराबर होता है, अवतल लेंस का आवर्धन क्या होगा? तो ऑप्शन ए में यू वाई भी, बी में करा यू गुने भी, सी में करा यू प्लस भी, डी में करा भी वाई यू। तो यहाँ पर जो मेरा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, जो कि 11 का, जो कि ऑप्शन डी, ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। यू वाई यू जो होता है अवतल लेंस का आवर्धन बराबर होता है। ठीक है, आप इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 करा गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध है। तो क्या संबंध है? ऑप्शन ए में आर बराबर 2f, बी में करा f बराबर r, सी में करा f बराबर 2/r, डी में करा r बराबर जो किया है f/2। तो यहाँ पर जो मेरा राइट आंसर हो जाएगा, गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच का संबंध क्या होगा? तो यहाँ पर जो मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा 12 का, जो कि ऑप्शन ए r बराबर 2f होता है। ठीक है, आप इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर जो किया ये 13 करा है, मानव नेत्र में क्या होता है? तो ऑप्शन ए में है किसी प्रकार का लेंस नहीं होता है मानव नेत्र में, या अवतल लेंस होता है या उत्तल लेंस होता है, डी में करा उत्तल दर्पण होता है। तो यहाँ पर जो मेरा राइट आंसर हो जाएगा 13 का, जो कि ऑप्शन सी होगा, मानव नेत्र में उत्तल लेंस होता है, आप इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 है करा, मानव नेत्र वस्तु का प्रतिबिंब निम्न में से किस भाग पर बनता है? तो ऑप्शन ए में है कार्निया, बी में है आयरिस, सी में रेटिना, डी में पुतली। तो यहाँ पर जो मेरा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 14 का, जो मेरा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन सी, रेटिना जो है मानव नेत्र वस्तु का प्रतिबिंब निम्न में से किस भाग पर काम करता है? वो रेटिना पर काम करता है। ठीक है, आप इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 करा, विद्युत जनित्र का सिद्धांत आधारित है, क्या आधारित है? ऑप्शन ए में दिया गया विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर, बी में करा प्रेरित विद्युत पर, सी में करा विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर, डी में करा प्रेरित चुंबकत्व पर। तो यहाँ पर जो मेरा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 15 का, जो मेरा बिल्कुल सही आंसर होगा, जो कि ऑप्शन सी, विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर, जो कि विद्युत जनित्र का सिद्धांत आधारित है, आप इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 करा, निम्न में से कौन बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है? तो ऑप्शन ए में लकड़ी, बी में गोबर गैस, सी में नाभिकीय ऊर्जा, डी में कोयला। तो यहाँ पर जो मेरा राइट आंसर हो जाएगा 16 का जो मेरा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, नाभिकीय ऊर्जा है। निम्न में से कौन बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है? नाभिकीय ऊर्जा जो है ईंधन का स्रोत नहीं हो, आप इसे याद रखेंगे, ऑप्शन सी यहाँ पर मेरा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 करा, जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है क्या है? ए में है कोयला, बी में लकड़ी, सी में गोबर गैस, डी में इनमें से सभी। तो जीवाश्म ईंधन का जो ईंधन का उदाहरण है क्या है? ऑप्शन में बता देना चाहूँगा कोयला, जो कि है बिल्कुल राइट आंसर है, कोयला एक जीवाश्म ईंधन का उदाहरण होता है, कोयला, आप इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 करा, एथेनाइल अम्ल को सामान्यतः क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन ए में सिट्रिक अम्ल, बी में एसिटिक अम्ल, सी में जो कि बेजोइक अम्ल, डी में टार्ट्रिक अम्ल। तो यहाँ पर जो मेरा राइट आंसर हो जाएगा 18 का, जो मेरा करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, जो कि ऑप्शन बी, बी बिल्कुल सही है, एसिटिक अम्ल जो कि एथेनाइल अम्ल को सामान्यतः क्या कहा जाता है? तो एसिट्रिक अम्ल कहा जाता है, आप इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 करा, भारतीय संगीत प्रणाली में संगीत के कितने सुर होते हैं? भारतीय संगीत प्रणाली में संगीत के कितने सुर होते हैं? तो ऑप्शन दिया हुआ है कि ए में 5, बी में 6, सी में 7, डी में 8। तो यहाँ पर जो मेरा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 19 का जो मेरा बिल्कुल सही आंसर है, जो कि ऑप्शन सी, 7 है, जो कि है भारतीय संगीत प्रणाली में संगीत के कितने सुर होते हैं? तो 7 सुर होते हैं, आप इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 करा कि वायुरोधी बर्तनों में जो कि है खाद्य सामग्री रखने में उपचयन की गति हो जाती है, क्या होती है? ऑप्शन दिया हुआ है ये में धीमी हो जाती है, या तीव्र हो जाती है, या बराबर, या अति तीव्र होती है। तो यहाँ पर जो मेरा राइट आंसर हो जाएगा 20 का जो मेरा बिल्कुल सही आंसर है दोस्तों, जो कि ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए धीमी हो जाती है, वायुरोधी जो है बर्तनों में जब खाद्य सामग्री रखने पर उपचयन की गति जो उसकी होती है वो धीमी हो जाती है। ठीक है, आप इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 करा, नीचे दी गई अभिक्रिया में कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन ए में कॉपर का ऑक्सीजन, नीचे देखिए अभिक्रिया ये दिया हुआ है, तो ऑप्शन ए है जो कि कॉपर का ऑक्सीजन, बी में कॉपर का अवकरण, सी में करा कॉपर का नाइट्रेशन, डी में करा ए और बी दोनों। तो यहाँ पर जो मेरा राइट आंसर हो जाएगा, नीचे दी गई अभिक्रिया में कौन सा कथन सही है, सही कह रहा है, तो यहाँ पर जो मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा 21 का, जो कि ऑप्शन ए होगा, कॉपर का ऑक्सीजन जो है बिल्कुल मेरा सही है। ठीक है, आप इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर जो कि है 22 करा, सिल्वर क्लोराइड का रंग क्या होता है?
सिल्वर क्लोराइड का जो रंग होता है, ऑप्शन दिया हुआ है, ये में श्वेत होता है, ये पीला होता है, बी में पीला, सी में हरा, डी में काला। तो यहाँ पर जो मेरा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 22 का जो मेरा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, सिल्वर क्लोराइड का रंग जो होता है वो श्वेत रंग में होता है, ऑप्शन ए यहाँ पर मेरा बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, आप इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, कह रहा है कि समीकरण COCO3 जो कि उष्मा CaOH+CO2 किस प्रकार का समीकरण है। तो ऑप्शन दिया हुआ है ए में वियोजन, बी में संयोजन, सी में जो कि उभयगामी, डी में प्रतिस्थापन। तो यहां पर जो मेरा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 23 का जो कि ऑप्शन ए वियोजन जो कि है एक समीकरण है, आप इसे याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है किसी लाल तत्व आयरन पर जो कि जलवाष्प में प्रवाहित करने पर कौन सा यौगिक प्राप्त होता है। तो ऑप्शन ए में है जो कि FeO यानी लोहा, बी में करा FeOO3, सी में करा Fe3O4, डी में करा FeS। तो यहां पर जो मेरा राइट आंसर हो जाएगा 24 का जो मेरा बिल्कुल सही आंसर होगा दोस्तों जो कि ऑप्शन सी यहां पर मेरा बिल्कुल करेक्ट है, Fe3O4 जो है किसी लाल तत्व आयरन पर जो कि जलवाष्प प्रवाहित करने पर कौन सा यौगिक प्राप्त होता है। तो यहां पर सी नंबर मेरा बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, आप इसे याद रखेंगे। आज का लास्ट क्वेश्चन कर रहा है कि हमारे शरीर में pH कितने प्रास जो कि है प्रास के बीच कार्य करता है। तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है 6.0 से 6.8 तक, बी में कह रहा है 7.0 से 7.8 तक, सी में कह रहा है 2.1 से 3.8 तक, डी में कह रहा है 5.1 से 5.8 तक। तो यहां पर जो मेरा राइट आंसर हो जाएगा 25 का जो मेरा बिल्कुल सही आंसर होगा जो कि ऑप्शन बी 7.0 से 7.8 तक जो कि हमारे शरीर में pH का प्रास के बीच में वो काम करता है। ठीक है दोस्तों, अगर आप मेरे वीडियो को पसंद किए हैं तो इसे लाइक और शेयर जरूर करेंगे। जब तक के लिए मैं यहीं पे वीडियो को समाप्त करता हूँ, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।